हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है, महाराष्ट्र जलगांव से। आज मेरे पास में 24 इंच का LCD आया है पैनासोनिक का, जो इसके अंदर पैनल का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ। पहले तो इसका मॉडल नंबर है, देखिए इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, हम इसका तो अभी पहले सिम्टम्स देखेंगे कि पिक्चर के अंदर क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी लाइट आ गई। ये देखिए इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सेट के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप का फॉल्ट है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले इसके बेसिक वोल्टेज देखेंगे स्केलर के। ठीक है, तो अभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं फर्स्ट। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट देखेंगे इसके, जो पैनल VCC। ठीक है, तो ये देखिए पैनल VCC 12 वोल्ट, ओके। ठीक, उसके बाद 3.3 वोल्ट चेक करेंगे यहाँ पे। थ्री वोल्ट जो एकदम सही बन रहे हैं। उसके बाद EVDT देखेंगे, ये वाले टेस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारे 15 वोल्ट। सही से बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे विजुअल, विजुअल वोल्टेज जो -8 वोल्ट बन रहे हैं सही से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे -9 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे विजेज का टेस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए विजेज 27 वोल्ट एकदम सही से बन रहा है। तो हमारे वोल्टेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सभी वोल्टेज सही से बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस स्केलर के अंदर गेट ड्राइव के लिए 2 लेवल शिफ्टर IC लगा है। पहला तो ये वाली लेवल शिफ्टर IC है, और सेकंड ये वाली लेवल शिफ्टर IC। ठीक है, तो इसमें से कौन सी लेवल शिफ्टर IC खराब है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में ये वाली लेवल शिफ्टर IC को ओपन करूँगा, या से कोई भी गेट सिग्नल में ब्लॉक नहीं करूँगा, कट नहीं करूँगा, सीधा लेवल शिफ्टर IC ओपन करके देख लेता हूँ मैं। ठीक है, कि मेरा कौन सा लेवल शिफ्टर IC ख़राब है इसमें से। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने ये वाला लेवल शिफ्टर IC निकाल लिया, ये देखिए। ठीक है, और इधर का लेवल शिफ्टर IC मेरा लगा हुआ है। मैं आपको लेवल शिफ्टर IC दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिए ये लेवल शिफ्टर IC मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ पहले तो, कि मेरा पिक्चर आया कि नहीं आया। ये देखिए, एक बार पकड़ने में दिक्कत हो रहा है।
देखिए, ये देखिए मेरा नो सिग्नल आ चुका है, ठीक है, और मेरा पिक्चर भी अभी सही से बन चुका है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो मेनू भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा मेनू भी आ चुका है, ये देखिए, ठीक है गाइस, देखिए। तो अभी हम एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। ये देखिए, तो इस लेवल शिफ्टर के ऊपर देखेंगे हम यहाँ पे, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज, ठीक है। ये देखिए माइनस 9 वोल्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे OD1 की वोल्टेज है, देखिए ये OD1 का वोल्टेज है जो हमारा सही से वेरी हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में E1 को देखेंगे, तो देखिए E1 के वोल्टेज सही से वेरी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये वाले रेजिस्टेंस पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी 4 वोल्ट है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। तो मेरे अभी सभी वोल्टेज सही से बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले PFP उसका विजेज वोल्टेज है, ये देखिए, और ये वाले PFP उसका विजेज वोल्टेज है, ये देखिए, ठीक है। और इधर वाले PFP देख लेते, यहाँ पे -9 वोल्ट है, देखिए, देखिए, और ये वाले PF पे विजेज वोल्टेज है, ये देखिए, ठीक है गाइस। और यहाँ के सिग्नल्स भी देख लेते हैं अभी हम स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये वाले टेस्ट पॉइंट पे ऐसा वोल्टेज है। इसके बाद यहाँ का वोल्टेज देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1.2 वोल्ट है, ठीक है। के बाद यहाँ पे देखेंगे, देखिए, ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे, देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे,
देखिए यहाँ पे 1.2 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ पे सेम वोल्टेज है देखिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सब लेवल शिफ्टर के वोल्टेजेस, ठीक है। और ठीक है गामा के वोल्टेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट देखिए, और उसके बाद स्टेज पॉइंट पे तो 0.8 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाले टेस्ट पॉइंट पे तो माइक्रो में वोल्टेज है, ठीक है, ये 15 वोल्ट यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे 15 वोल्ट देखिए, यहाँ पे 3.3 वोल्ट एसीएल पे देखिए, ठीक है। बात यहाँ पे देखेंगे एसटीए आपका 3.3 वोल्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट, तो ये प्रोग्रामर गामा एसी है, ठीक है, ये एसीएल एचडी के थ्रू है तो ऑपरेट होती है, ठीक है, ये प्रोग्रामर गामा एसी है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है गाइस, थैंक यू।